हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर नर्सिंग क्लासेस। माई सेल्फ ए के सर एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अफगार स्कोर। जो प्रीवियस DSSB के एग्जाम्स लग रहे हैं उनके तीनों शिफ्ट के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस MCQ मिल देखने को मिल रहा है अफगार स्कोर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज का ये टॉपिक सेलेक्ट किया गया है, अफगार स्कोर। तो अफगार स्कोर क्या होता है? ये अफगार स्कोर एक असेसमेंट का टूल है, एक मेथड है जिसका यूज़ करके हम जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके स्टेटस को हम असेस करते हैं। इसका यूज़ करके उसकी जो कंडीशन है उसको हम असेस करते हैं, फिजिकल कंडीशन को, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक असेसमेंट टूल है एक, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके स्टेटस को हम असेस करते हैं। क्या करते हैं? हम जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी हम स्टेटस को हम असेस करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कौन कौन से स्टेटस को हम असेस कर रहे हैं, हम उसके रेस्पिरेटरी स्टेटस को हम असेस कर रहे हैं, ठीक है। हम उसके सर्कुलेटरी स्टेटस को असेस कर रहे हैं। हम उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को हम असेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम बात करूँ तो यहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबी होता है आफ्टर बर्थ जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके स्टेटस को हम असेस करते हैं किसके द्वारा? अफगार स्कोर के द्वारा, ठीक है। तो उन कौन कौन से स्टेटस को हम असेस कर रहे हैं? हम उसके रेस्पिरेटरी स्टेटस को हम असेस कर रहे हैं, हम उसके सर्कुलेटरी कार्डिक स्टेटस को हम असेस कर रहे हैं, हम उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को हम असेस कर रहे हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को हम असेस कर रहे हैं। मैं बात करूँ उसके इन्वेंशन की कि यह किसने इन्वेंट किया था फर्स्ट टाइम, तो इसका इन्वेंशन किया था इन्वेंटेड बाई डॉक्टर वर्जीनिया। एक डॉक्टर थी जिनका नाम था डॉक्टर वर्जीनिया अबगार, ठीक है। डॉक्टर वर्जीनिया अबगार थी, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था फर्स्ट टाइम। और यहाँ से जो CHO के एग्जाम्स लगते हैं उनके अंदर डायरेक्ट MCQ पूछने को मिल सकता है आपको, जो कि जो अबगार स्कोर का इन्वेंशन हुआ किसने किया था, वो किया था डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने। और वहीं इसका ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना लिया जाए तो ये क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया जा सकता है कि जो डॉक्टर वर्जीनिया थी ये कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करती थी और ये कहाँ की थी, ठीक है। तो मैं बात करूँ तो ये जो डॉक्टर वर्जीनिया अबगार थी ये अमेरिकन थी और इनका जो प्रोफेशन था वो कौन सा था? एनेस्थियोलॉजिस्ट। ये अमेरिकन थी और इनका प्रोफेशन था एनेस्थियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से एक MCQ आपको पूछ लिया जाता है, बट आप क्वेश्चंस गलत करके आते हो, यहाँ पे इसको पीडियाट्रिशियन समझ के आप क्वेश्चंस गलत करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ अब इसके टाइमिंग वो स्कोरिंग की, जो अफगार स्कोर जो स्कोरिंग है वो किस प्रकार दिया गया है। जो डॉक्टर वर्जीनिया अबगार थी इन्होंने इसका अफगार स्कोर में स्कोरिंग दी थी, मतलब इसमें जो टोटल स्कोरिंग इन्होंने दी थी अफगार स्कोर की स्कोरिंग, टोटल स्कोरिंग दी थी हमको 10, ठीक है। अब डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने इन्होंने जो अफगार स्कोर की स्कोरिंग टोटल 10 दी थी, उसको अब डिवाइडेड किया गया तीन पार्ट्स के अंदर। यदि इस अफगार स्कोरिंग 8 to 10 के बीच में है, ठीक है, 8 to 10 के बीच में अफगार स्कोर का स्कोरिंग, तो यह किसको इंडिकेट करता है? यह इंडिकेट करता है जो न्यूबॉर्न बेबी है वह हेल्दी है, उसकी कंडीशन बहुत एक्सीलेंस है, ठीक है। तो ये किसको इंडिकेट करेगा? इसमें बच्चे के अंदर कोई डिप्रेशन देखने को नहीं मिल रहा, तो यानी कि यहाँ पे जो किसको इंडिकेट करेगा, ये नो डिप्रेशन की कंडीशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है, नो डिप्रेशन की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। और इसके अंदर जब अपन जो कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ यदि अफगार स्कोरिंग 4 to 7 के बीच में आए, 4 to 7 के बीच में आए, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे जो बच्चे की कंडीशन है वह माइल्ड डिप्रेशन देखने को मिलेगा, मतलब बच्चे में जो कंडीशन है वहाँ पे जो फुल्ली हेल्दी नहीं है बच्चा, तो यहाँ पे आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन देखने को मिलेगा आपको, माइल्ड डिप्रेशन देखने को मिलेगा। और इसके अब माइल्ड डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम जो कुछ इंटरवेंशन करेंगे स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ पे, तो हम कौन कौन से इंटरवेंशन कर सकते हैं? हमने पहले देखा था कि हम उसके रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस कर रहे हैं, हम उसके सर्कुलेटरी स्टेटस को असेस कर रहे हैं। तो हम जब उसकी स्टेटस जो रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस करेंगे वो हेल्दी नहीं मिल रहा, तो अपन क्या करते हैं? अपन ABC का जो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, यानी कि एयरवे को क्लीन करते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपने सक्शनिंग करते हैं, ठीक है, सक्शनिंग करते हैं और उसके एयरवे को क्लीन करने की कोशिश करते हैं अपन। वहीं पर बात करूँ यदि अपन इसके सक्शनिंग
और यहाँ पे म्यूकस जम रहा है भाई इसके एयरवे में, तो मतलब उसको सिंपल सी बात है कि उसके ऑक्सीजन भी लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप यहाँ पे इसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अपन, तो यहाँ पे दो इंटरवेंशन करते हैं अपन जो मोस्टली इंटरवेंशन है 4 to 7 के जब अपगार स्कोर अपना आए, तो ठीक है। वहीं जो अपन बात करूँ जो थर्ड वन है 0 to 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अपगार स्कोर का स्कोरिंग 0 हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपका अपगार स्कोर स्कोरिंग 0 हो सकता है। यहाँ आपकी जो प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स हैं उनके अंदर आपको ये पूछ लिया जाता है कि अपगार स्कोर का स्कोरिंग 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो अपन बिल्कुल हो सकता है अपगार स्कोर का स्कोरिंग 0 हो सकता है। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं वो आपको बाद में बताएंगे भैया आपको, है ना, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा जो बच्चे की जो कंडीशन है वह बहुत ही सीवियर डिप्रेशन देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर, यानी कि बच्चे के अंदर सीवियर डिप्रेशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सीवियर डिप्रेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे हम जो सीवियर डिप्रेशन देखने मिलेगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, मतलब कि जब बच्चे की जो अपगार स्कोरिंग है जो 0 to 3 के बीच में आ रही है, तो अब उसके अंदर जो रजिस्टर्ड नर्स है उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगी, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगी CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन की प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे CPR क्या क्या करेंगे, अपन CPR स्टार्ट कर सकते हैं, CPR स्टार्ट करेंगे यदि हार्ट रेट बिलो देन 60 आ रही है, ठीक है। तो हम इसको CPR स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन कब क्या होगी, जब 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 स्कोर 0 to 3 के बीच में आएगा, तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगी अपने CPR। ये MCQ बहुत अच्छा है, पूछ लिया जा सकता है आपको हमने MCQ, ठीक है। तो हम और क्या कह सकते हैं, उसको लाइफ सेविंग ड्रग्स दे सकते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन वगैरह लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स दे सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूँ अभी इसके टाइमिंग की कि अपगार स्कोर जो टाइमिंग कब की जाती है इसको, अपगार स्कोर की टाइमिंग, ठीक है। मैं बात करूँ इसी टाइमिंग की, जो डॉक्टर वर्जीनियन बता रहे थे अपन अपगार स्कोर है वो किस किस टाइम पे अपन अपगार स्कोर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं टाइमिंग की बात करता हूँ, टाइमिंग की मैं बात करूँ तो जो मैंने बताया कि आफ्टर बर्थ हम जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जो स्टेटस है हम अपगार स्कोर द्वारा आफ्टर बर्थ चेक करते हैं, ठीक है। तो जो आफ्टर बर्थ जो विद इन 1 मिनट होता है उसी के अंदर आपको अपगार स्कोर की स्कोरिंग करनी है। यहाँ से जो MCQ है बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ मिलता है आपको यहाँ पे, ये जो फर्स्ट टाइम आपका अपगार स्कोर हम कब करते हैं, एट बर्थ विद इन 1 मिनट, ठीक है, विद इन 1 मिनट अपन अपगार स्कोर चेक करते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको पूछ लिया जाता है, आपको डायरेक्ट MCQ को यहाँ से पूछने को मिलता है कि जो फर्स्ट टाइम अपगार स्कोर है हम कब करते हैं, ठीक है। तो अपन कब करते हैं, 1 मिनट के ऊपर करते हैं, आफ्टर बर्थ, ठीक है, यानी एट बर्थ मतलब। और जो अपन जो सेकेंड टाइम अपगार स्कोर लेते हैं वो 5 मिनट्स के ऊपर लेते हैं, आफ्टर बर्थ 5 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर बर्थ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के ऊपर हम अपगार स्कोर लेते हैं आफ्टर बर्थ। क्यों लेते हैं, क्योंकि जो जब फर्स्ट मिनट पर अपगार स्कोर लेते हैं तब क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी है अब अपने आपको एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है बेबी इन्वायरमेंट, अभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसके अंदर आया है, तो अपने आपको एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है, इस कोप अप नहीं कर पा रहा होता सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है कि जो उसका स्कोरिंग है जो लो आता है उसमें एरर आते हैं, इस वजह से हम जो रजिस्टर्ड नर्स हैं क्या करती है, जो 5 मिनट्स के ऊपर जो सेकेंड अपगार स्कोर लेते हैं अपन, ठीक है। बट कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि जो 5 मिनट्स के ऊपर जो अपगार स्कोर है का स्कोरिंग है वो लो आता है उसमें एरर आते हैं, तब जो फिजिशियन के ऑर्डर के ऊपर जो अपगार स्कोर लिया जाता है वो कितने मिनट पर लिया जाता है, 15 मिनट्स के ऊपर, ठीक है, आफ्टर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, ठीक है। ये 15 मिनट्स के ऊपर जो फिजिशियन के ऑर्डर के ऊपर लिया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको, अभी डायरेक्ट MCQ पूछ सकता है आपको फिजिशियन के ऑर्डर के ऊपर, ठीक है, फिजिशियन के ऑर्डर के ऊपर जो जो अपगार स्कोर लिया जाता है वो कितने मिनट के ऊपर लिया जाता है, 15 मिनट्स के ऊपर लिया जाता है, और जो फर्स्ट टाइम अपगार स्कोर लिया जाता है वो कब लिया जाता है, 1 मिनट के ऊपर, ठीक है। तो ये MCQ यहाँ से आपको बन सकता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके कुछ क्राइटेरिया की, अपन उसकी बात करते हैं, इसके क्राइटेरिया की बात करें हम, जो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके जो इसके नाम से अपन को डिफाइन है कि जो ए है इसको किसको इंडिकेट कर रहा है, ये अपीरियंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, अपीरियंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है।
वहीं मैं बात करूँ जो अपीरेंस के अंदर हम किसका असेसमेंट करते हैं, हम स्किन कलर का असेसमेंट करते हैं, ठीक है, स्किन कलर का हम असेसमेंट करते हैं। वहीं जो पी है इसका मीनिंग होता है पल्स, ठीक है, इसके अंदर हम हार्ट रेट का असेसमेंट करते हैं, हार्ट रेट, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ जो जी है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्राइमेस को, ग्राइमेस के अंदर हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स का असेसमेंट करते हैं, रेस्पॉन्स का असेसमेंट करते हैं। वहीं मैं बात करूँ जो ए है इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी, और इसके अंदर हम किसका असेसमेंट करते हैं, मसल स्टोन का असेसमेंट करते हैं, मसल स्टोन का असेसमेंट करते हैं। वहीं बात करूँ जो आर है इसका मीनिंग होता है रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन एफर्ट, ठीक है, रेस्पायरेशन एफर्ट। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे जो तुमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ से पूछा जाता है कि जो रेस्पिरेटरी यहाँ पे किसको इंक्लूड किया गया, रेस्पिरेटरी एफर्ट को इंक्लूड किया गया, नॉट रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्लूड नहीं किया, रेस्पिरेटरी एफर्ट को इंक्लूड किया गया, उसकी जो रेस्पिरेटरी जो लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको एक्सटेंड होने की, उसको असेस करने की बात की गई, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट को असेस करने की बात नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। ये हो गई इसके क्राइटेरिया की बात, ठीक है, जिसके अंदर हम अपीरियंस में अपन किसका किसका चेक करते हैं, स्किन कलर का चेक करते हैं, और पल्स के अंदर हम पल्स रेट का यानी हार्ट रेट का चेक करते हैं, और ग्राइमेस के अंदर हम रिफ्लेक्स या रेस्पॉन्स को अपन असेस करते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके चार्टिंग के बारे में, स्कोरिंग किस प्रकार दी जा रही है इसके चार्टिंग, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं इसके चार्टिंग के बारे में, चार्टिंग किस प्रकार दी गई है, उसके बेस के ऊपर अपन जो जो असेसमेंट है जो स्कोरिंग है उसकी बेस के ऊपर अपन देते हैं अबगार स्कोर, ठीक है। तो बात करूँ उससे चार्टिंग की, तो जो टोटल स्कोरिंग अपन ने कितने दी थी, अपन ने जो डॉक्टर वर्जी ने तो उन्होंने टोटल स्कोरिंग दी थी 10, ठीक है, टोटल स्कोरिंग 10 दी थी, और इंडिविजुअल स्कोरिंग रेंज दी थी 0 to 2 के बीच में, ठीक है। तो जो अपने क्राइटेरिया वो क्या क्या थे, अपीरियंस, ठीक है, देन इनकी हार्ट रेट का असेसमेंट पल्स के अंदर, ठीक है, देन मैं बात करूँ जो ग्राइमेस, देन एक्टिविटीज यानी कि मसल स्टोन, एंड देन रेस्पायरेशन नॉट रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तीन पांच इन जो अपने कंपोनेंट्स थे इनकी बेस को अपन असेस करके अपन जो न्यूबॉर्न बेबी का है उसके अबगार स्कोरिंग देते हैं, ठीक है। तो अपन जो इंडिविजुअल स्कोरिंग रेंज की जो डॉक्टर वर्जीनिया थी उन्होंने इंडिविजुअल स्कोरिंग रेंज दी थी 0 to 2 के बीच में, 0, 0, 1 and 2, ठीक है। तो जो अपीरियंस है, मैं बात करूँ अपीरियंस की, यानी कि जब बच्चे का जो बॉडी है वह कम्प्लीटली पिंक ब्लू है या पेल है या येलो इस कलर की जो बॉडी है, तो अपन स्कोरिंग कितना देते हैं, 0, ठीक है। यानी कि जो बच्चे की जो बॉडी है वो कैसी है, ब्लू है या फिर पेल येलो है, तो अपन इसको क्या दे कितना स्कोरिंग देते हैं, 0 स्कोरिंग देते हैं अपन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिल रहा है अपन को, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ जो जो बेबी है उसका जो बॉडी है, उसका जो बॉडी है वो तो ब्लू है, और जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वह कौन सी हैं, वो कैसी हैं, पिंक कलर की हैं। यानी कि जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं ना जो है, तो यानी कि बच्चे का जो आधा शरीर तो क्या है जो ब्लू कलर का है, और हाफ जो बॉडी है वो कैसी है, पिंक कलर की। तो ये किसको इंडिकेट करता है, यहाँ एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन इंडिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्रोसाइनोसिस को देखने को मिलता है, ये टर्म याद करना, एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन देखने को मिली तो अपने स्कोरिंग कितना देते हैं, 1, ठीक है। कितना स्कोरिंग देते हैं, 1 स्कोरिंग देते हैं। वहीं मैं बात करूँ जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली पिंक कलर की है, तो अपन स्कोरिंग देते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है, ये अपीरियंस के हिसाब से अपन ने डिवाइडेड कर दिया, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ जो हार्ट रेट, यदि बच्चे के जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसके अंदर हार्ट रेट आपको एबसेंट देखने को मिल रही है, तो अपन स्कोरिंग कितना देते हैं, 0 स्कोरिंग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एबसेंट देखने को मिल रही है हार्ट रेट, तो अपन स्कोरिंग देते हैं 0। वहीं मैं बात करूँ जो हार्ट रेट है यदि बिलो 100 यानी कि जन की 78 या फिर 85 या 90 आ रही है, तो अपन इसका कितना स्कोरिंग देते हैं, 1 स्कोरिंग देते हैं, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ यदि हार्ट रेट मोर देन 100 आ रही है, तो अपन कितने स्कोरिंग देते हैं, 2, यानी कि 120 आ रही है, 140 आ रही है, तो अपन कितना स्कोरिंग देते हैं, 2 स्कोरिंग देते हैं हार्ट रेट के अंदर, ठीक है।
वहीं मैं बात करूँ जो ग्राइमेस यानी कि रिफ्लेक्स यानी जो रेस्पॉन्स है वो उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यदि बच्चे अगर कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है यानी कि नो रेस्पॉन्स कोई बच्चे में कोई रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिल रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं देखने को नहीं मिल रहा, मतलब बच्चे को पिंच कर रहे हैं बट अपन बच्चा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो अपन कहते हैं स्कोरिंग देते हैं 0। और यहाँ पे अपन को सम रेस्पॉन्स यानी ग्राइमेस की कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। ग्राइमेस की कंडीशन यानी कि सम रिफ्लेक्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सम रिफ्लेक्स देखने को मिल रहे हैं कि बच्चे को हम जब पिंच करते हैं, आप क्लैप करते हैं, तो बच्चे में जो रेस्पॉन्स हैं रिफ्लेक्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या होता है? रिफ्लेक्स का मीनिंग होता है जो इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं अगेंस्ट किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, उनको क्या बोलते हैं अपन? रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स जब अपन कुछ रिफ्लेक्स देखने को मिले तो अपन कितना स्कोरिंग देते हैं? 1 स्कोरिंग देते हैं, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ यदि बच्चे के अंदर फुल रिफ्लेक्स देखने को मिला, मतलब बच्चा क्राई कर रहा है अच्छे से, स्नेचिंग, वो हाँ बच्चा की स्नेचिंग कर रहा है, क्राई कर रहा है, यानी कि बच्चे के अंदर फुल रिफ्लेक्स देखने को मिल रहे हैं, तो अपन कितना स्कोरिंग देते हैं? 2 स्कोरिंग देते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूँ जो एक्टिविटीज़ की बात करूँ मैं एक्टिविटी यानी कि मसल स्टोन की बात करूँ, जो मसल स्टोन है यानी कि जब बच्चे की जो अंदर फ्लैसिड की कंडीशन देखने को मिले, ठीक है। एक टर्म आती है फ्लैसिड। फ्लैसिड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? फ्लैसिड का मीनिंग ये है कि जो मतलब जो बच्चे की जो कंडीशन है, जो मसल स्टोन है, बहुत ही वीक हैं, मतलब बच्चे जो प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है इस फ्लैसिड की कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो अपन जब फ्लैसिड की कंडीशन होगी तो अपन कितना स्कोरिंग देते हैं? 0 स्कोरिंग देते हैं, ठीक है। अब गार स्कोर के अंदर वहीं मैं बात करूँ जो मसल स्टोन है यदि उसके अंदर सम फ्लैक्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, सम फ्लैक्शन देखने को मिल रहे हैं, सम फ्लेक्शन यानी कि जो बच्चे में जो एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर जो सम फ्लेक्शन देखने को मिले हैं, तो जब हम बच्चे को पिंच करते हैं तो उसकी जो एक्सट्रीमिटीज जब फ्लैक्स होती हैं तो उस कंडीशन में हम कितने स्कोरिंग देते हैं? 1 स्कोरिंग देते हैं। वहीं पर बात करें जहाँ बच्चे के अंदर फुल बॉडी मूवमेंट देखने को मिले, फुल बॉडी मूवमेंट्स देखने को मिले हैं बच्चे के अंदर, तो अपन कितना स्कोरिंग देते हैं? 2 स्कोरिंग देते हैं। वहीं मैं बात करूँ लास्ट वन रेस्पायरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेस्पायरेशन मैंने पहले बताया कि यहाँ पे रेस्पायरेटरी एफर्ट को इंक्लूड किया गया, नॉट रेस्पिरेटरी रेट, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो वहीं पर बात करूँ रेस्पिरेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। जो रेस्पिरेशन यदि बच्चे के अंदर एब्सेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि एपनिया कंडीशन देखने को मिल रही है, एब्सेंट देखने को मिल रहा है, मतलब बच्चे के अंदर जो रेस्पिरेशन है एब्सेंट देखने को मिल रहा है, तो अपन कितना स्कोरिंग देते हैं? 0 स्कोरिंग देते हैं। वहीं मैं बात करूँ जो रेस्पिरेशन है बच्चे के अंदर स्लो देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, स्लो या इरेगुलर देखने को मिल रहा है, जो बच्चे के अंदर जो रेस्पिरेशन स्लो है और इरेगुलर देखने को मिल रहा है, तो अपन कितना स्कोरिंग देते हैं? 1 स्कोरिंग देते हैं। वहीं मैं बात करूं जो बच्चे की जो रेस्पिरेशन है वह गुड है, मतलब बच्चा क्राई कर रहा है अच्छे से, रेस्पॉन्स रेस्पिरेशन कर रहा है अपन अच्छे से, सेटिस्फैक्ट्री रेस्पिरेटरी एफर्ट अपन को देखने को मिल रहा है, तो अपन कितना स्कोर देते हैं? 2 स्कोरिंग देते हैं। तो ये रेस्पिरेशन के बारे में था, ये ऑल अबाउट चार्टिंग के बारे में था आपको। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको ऐसे पुटअप होगा, जो क्वेश्चंस जो DSSB के एग्जाम होते हैं, जो इनके जो प्रीवियस एग्जाम आ रहे हैं, वो कैसे क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्वेश्चंस दे देगा, क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछ बोलेगा कि जो बता देगा आपको जो अपीयरेंस है बच्चे का जो पिंक कलर का दे रखा है, और ऐसे कंडीशन दे देगा जैसे हार्ट रेट बिलो 100 है, और ग्राइमेस से जो फुल्ली क्राई कर रहा है बच्चे अच्छे से, और बच्चे की जो फुल बॉडी मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, और रेस्पिरेशन बच्चे का गुड है, तो बताइए इसका अपगार स्कोर कितना होगा। इस तरीके से अपन को असेस करना है, यानी कि जब बच्चे का अपीयरेंस पिंक कलर का है तो अपन कितना स्कोर देते हैं? 2, और जब बिलो 100 यदि हार्ट रेट आ रही है तो अपन कितना स्कोर देते हैं? 1। तो ऐसे काउंट करके अपन 2 1 2 2 2 यानी कि कितना हो गया? 9, यानी कि कितना स्कोर हो गया? 9। तो ये 9 स्कोरिंग अपगार स्कोरिंग हो गया टोटल। और भाई बात करिए टोटल अपगार स्कोरिंग कितना आ रहा है? 10, ठीक है, टोटल स्कोरिंग कितना आ रहा है? 10। तो 9 स्कोरिंग आ रहा है, तो मतलब बच्चे की कंडीशन क्या है? हेल्दी कंडीशन, बच्चे को कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट अपगार स्कोर, ठीक है। और यहाँ से MCQ आपको बार बार पूछ के आ रहे हैं DSSB के एग्जाम में, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से रीड करिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई क्लास। थैंक यू सो मच क्लास।